तो गाइज आज तुम्हारा भाई बात करने वाला है टाइगर श्रॉफ की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी यानी कि गणपत का पार्ट वन का यहाँ पे ऑफिशियल टीजर आ चुका है गाइज, और ऑफिशियल इन लोगों ने यहाँ पे रिलीज डेट को भी यहाँ पे कंफर्म कर दिया है गाइज। तो सबसे पहले बात की जाए गणपत मूवी के बारे में, तो भाई सब गणपत मूवी में यहाँ पे अपने टाइगर श्रॉफ यहाँ पे लीड रोल में और कृति सेनन भी लीड रोल में, और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर उप विकास पाल यहाँ पे इस मूवी को डायरेक्शन देने वाले, और यह मूवी दो पार्ट में आने वाली। और इस मूवी के जो पहला पार्ट की रिलीज डेट है गाइस वो अगर आपने सुन ले तो गाइस आप हिल जाओगे कि इसकी, मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप इस मूवी की रिलीज डेट देखने के बाद आप पूरी की पूरा हिल जाओगे, क्योंकि भाई साहब यह मूवी भी एक क्लैश होने वाली है, मेगा क्लैश बोल सकते हैं अभी इसको, दो पैन इंडिया मूवीज़ के बीच में यहाँ पे क्लैश होने वाला है, और गैप सिर्फ एक दिन का है भाई साहब, एक दिन बहुत नहीं होता, कम से कम 7-8 दिन का तो गैप होना चाहिए, देखना पड़ेगा कौन जीतने वाला है इस क्लैश में। और इस मूवी का जो क्लैश होने वाला है भाई वन एंड ओनली यहाँ पे लोकेश कनगराज की सिनेमैटिक की एक और मूवी यानी कि लियो मूवी के साथ इस मूवी का क्लैश होने वाला है। ऐसा इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि लियो मूवी की यहाँ पे रिलीज डेट रखी है उन्होंने 19 तारीख 10वां महीना और 2023 की यानी कि दशहरे का मौका, और यहाँ पे गणपत मूवी की रिलीज डेट है 20 तारीख 10वां महीना और 2023 की तारीख, एक ही दिन का गैप है। और लियो मूवी की बात की जाए तो भाई साहब लियो मूवी यहाँ पे गैंगस्टर मूवी है, और इस मूवी की हाइप बहुत ज़्यादा है, इसके आगे इस गणपत यहाँ पे पीट जाएगी साउथ की तरफ, क्योंकि गणपत देख पैन इंडिया मूवी, हिंदी में कुछ बोला नहीं जा सकता कि यहाँ पे लियो मूवी चल भी सकती है नहीं, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पे लियो हिंदी में भी चल सकती है क्योंकि लोकेश कनगराज की यहाँ पे हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अब हिंदी में। और बात की जाए दलपति विजय की तो भाई साहब दलपति विजय की एवरेज से फिल्म भी यहाँ पे 300 करोड़ के लगभग कमा लेती है, अब देखो हाल ही में रिलीज हुई थी वारिसों ने यहाँ पे 300 करोड़ से भी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया था, तब भी यहाँ पे मूवी 4 क्लैश हुई थी साथ में, तब भी दलपति विजय ने यहाँ पे 300 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और एक बात गाइस यहाँ पे लियो मूवी में जो मेन विलन है गाइस वो संजू बाबा यानी कि संजू बाबा यहाँ पे हिंदी में, और हिंदी मार्केट में लियो मूवी बहुत ज़्यादा चलने वाली है। आप सोचने वाली बात ये होगी यहाँ पे लियो हिंदी में जीतने वाली है या फिर यहाँ पे गणपत पार्ट वन, मुझे तो लगता है यहाँ पे पहले दिन यहाँ पे एक दिन का गैप यानी कि लियो मूवी भी चल सकती है, गणपत भी चल सकती है, अगर गणपत की स्टोरी अच्छी होगी तो लियो मूवी को भी टक्कर दे सकती है, लेकिन साउथ में बिल्कुल भी नहीं देख सकती गाइस, क्योंकि साउथ में दलपति विजय यहाँ पे एकदम किंग है गाइस, उनका रिकॉर्ड वहाँ पे कोई नहीं तोड़ सकता, वो क्लैश में तो 300 करोड़ का। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पे टाइगर श्रॉफ बाजी मारते हैं या फिर दलपति विजय, मेरे को तो लगता है यहाँ पे दलपति विजय ही बाजी मारेगी, क्योंकि दलपति विजय यहाँ पे किंग है साउथ के, साउथ में तो गणपत को आगे जाने ही नहीं देंगे। और बात की जाए हिंदी की तो हिंदी का कुछ कहा नहीं जा सकता गाइस, वो तो वक्त ही बताएगा कौन सी मूवी अच्छी और कौन सी मूवी खराब, जो मूवी अच्छी होगी वो हिंदी मार्केट में चलने वाली है, लेकिन साउथ में नो डाउट यहाँ पे दलपति विजय गणपत मूवी को आगे नहीं निकलने देंगे। और गाइस वीडियो करते हैं पे एंड, और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके कर देना, और वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।